प्रकृति से विशेष प्रेम रहा है। वनस्थली में रहा तो लोक जीवन की जो विविधता है, आसपास का जो परिवेश है, जंगल, खेत, पहाड़, नदियां, जलाशय, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सबसे बहुत अच्छा संवाद रहा। इनको नजदीक से ऑब्जर्व करने का और एक्सपीरियंस करने का अवसर मिला। इसके साथ साथ राजस्थान के जो कलरफुल मेले हैं, चाकसू का है, पुष्कर का है, त्रिवेणी का है, सवाईमाधोपुर का है, इस तरह अनेक मेले हैं जिनमें मैं समय समय पर अटेंड करता रहा। वहां मैंने बहुत स्केचेस किए, ड्राइंग्स किए और इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, आकर्षित किया, प्रेरित किया और उसके आधार पर मैंने काफी चित्र बनाए। चित्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें विशेष बात यह है कि प्रकृति की जो लय है, जिससे कि एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, सभी जीव जंतु, मानव, सभी उसकी लय से बंधे हुए हैं। प्रकृति की जो स्पिरिट है, उसकी जो एसेंस है, उसकी जो वाइटलिटी है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया और प्रकृति से मेरा हमेशा संवाद बना रहा। तो मेरे जो चित्र हैं, ये सभी अनुभव जो विविध रूपाकारों के मुझे हुए, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, खासतौर से मोर ने मुझे बहुत प्रभावित किया, मेलों के जो उमंग है, उल्लास है, रंगीन रंग हैं उनके, विविधता जो है मेलों की, उसने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। उसी के आधार पर मेरे चित्र बने। लेकिन चित्र की जो प्रक्रिया है, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जो अनुभव हैं शिक्षा से संबंधित और विश्व की कला, चाहे वह लोक कला हो, ट्रेडिशनल आर्ट हो या कंटेम्पररी आर्ट हो, इन सभी ने मुझे एक विशिष्ट दृष्टि दी, जिस दृष्टि का प्रभाव मेरे चित्रों में देख सकते हैं। मेरे चित्र मेरे अनुभव की प्रतिकृति नहीं है, अनुकृति नहीं है, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। मन में जो भी इमेजेस हैं, जो भी आकृतियां हैं, वो उनका मनन और चिंतन चलता रहता है। उनकी एक प्रक्रिया, चित्रों की सृजन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे सेंस परसेप्शंस, इन सब का रूपांतरण होता है चित्रों के अंदर। तो इसलिए चित्र जब भी कोई व्यक्ति देखे तो वो चित्रों का आनंद ले, चित्रों की भाषा समझने की कोशिश करे, न कि अपने अनुभवों की प्रतिकृति यहां देखना चाहे। अगर वो खुले मन से चित्रों से संवाद स्थापित करेगा तो चित्रों का आनंद ले सकेगा, चित्रों का रसास्वादन कर सकेगा और समझ सकेगा कि मैंने मेरे चित्र की प्रक्रिया क्या रही। तभी आप मेरे चित्र जब देखेंगे तब आप समझ सकेंगे कि किस तरह से मैंने प्रकृति के अनुभवों को, अपने परिवेश के अनुभवों को, लोक के अनुभवों को रूपांतरित किया है।